तो अभी हमारा प्लान बना, एक्चुअली में कल गोरखपुर जाना है, उसका फिर एनुअल फंक्शन भी है। और अभी देखो हाईवे पे भी पहुंच गए थे भाई, अच्छा खासा हमने कवर भी कर लिया है रोड। अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मन बोल रहा है कि मत जाओ। ओ भाई साहब ये देखो हो गया। यस हमारी प्लानिंग है भाई साहब मनाली जाने के लिए, क्योंकि जानते हो जनवरी भाई साहब हम लोग फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखेंगे। लेट्स सी अभी हम प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, होप करता हूं गाइस आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। गाइस तो फिलहाल अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और देखो अभी जस्ट हम लोग स्कूल से रिटर्न आ रहे हैं भाई। तो अभी मैंने सोचा कि व्लॉग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी 4:30 बज गए, 1 घंटे के अंदर अंदर अंधेरा होने वाला है। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग स्कूल से आ रहे हैं, मतलब मैं सिर्फ गया हुआ था, समीर और जीशान नहीं गए थे, वो लोग 2 दिन से नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ। भाई साहब परसों, हाँ जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे होगे परसों, उसके परसों होगा हमारा एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन का पूरा व्लॉग बनाएंगे भाई साहब, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो यस उसी के लिए पूरा तैयारी व्यारी हो रहा है स्कूल में, तो कल हमारी छुट्टी भी है उसी के लिए। भाई साहब सोच लो मैं स्कूल से रिटर्न आ रहा हूँ और मैंने खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं खाया है लिटरली, और ना अभी मैंने मुंह पे पानी भी मारा है, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो सीधे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब सबसे पहले काम उसके बाद फिर कोई और काम। वल्ला अभी भी समीर तुम तो 2 दिन से मौजती घर पे, क्या बोलती ये बताओ, तेरा प्लान है कि नहीं जाने का एनुअल फंक्शन में? जाएंगे जरूर, जाएंगे और मचाएंगे ना। यस भाई साहब समीर फुल प्लानिंग में, क्या पहनेगा? नहीं लेके गया था इस बार, पिछली बार डांट दिया नाइट से, समीर नहीं गया था, इस बार जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। जानता है स्टेज वगैरह सब कुछ लग चुका है स्कूल में, और टेंट वगैरह सब लग चुका है भाई साहब, एकदम खतरनाक मजा आने वाला है भाई उस दिन असली मजा आएगा। एक्चुअली में पूरे फ्रेंड्स लोग इकट्ठा होंगे गाइस, जो भी आते नहीं है एब्सेंट रहते वो लोग भी आएंगे उस दिन, तो इसलिए बहुत ज्यादा मजा आएगा। और भाई साहब ये लोग जीशान भी आ गए, ये लोग का तो मौज ही है भाई, घूम रहे हैं, मैं स्कूल जाता हूँ अकेले। चाचू और हम लोग गए थे मैच खेलने, जीते कि नहीं? जीत गए, बुरी तरीके से हरा है। सोच वो लोग का 8 ओवर 70 रन बना, हम लोग को 3 या फिर 4 ओवर में हम लोग का बन गया, जीत गए। वाह तू तो नाम रोशन कर देगा, वाह। कल गाइस एक चीज हम लोगों ने बताया नहीं कि कल हमारा प्लान है गोरखपुर जाने का, तो गोरखपुर में हम लोग जाएंगे अवतार मूवी देखने के लिए भाई साहब, जो कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है देखने में। तो आपको रिव्यू देंगे कि कैसा है मूवी कैसा नहीं, वैसे तो काफी दिन हो गए, बहुत लोग देख भी चुके होंगे ना। यस हेलो अवतार नहीं अवतार 2, बहुत लोग अभी सोचने लगे कि अवतार तो 2009-10 में ही आया था, तो अवतार 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या मूवी देखने जा रहे हो कल? कौन सी मूवी? आज मैच जीत गए ना तो ओहो कल पार्टी, कल घूमेंगे गोरखपुर और मूवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, चलो मजा आएगा। भाई साहब फिलहाल अभी देखो शाम हो चुकी है, तो अभी हमारा प्लान बना, एक्चुअली में कल गोरखपुर जाना है, उसका फिर एनुअल फंक्शन भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना बाल वगैरह हेयर कट वगैरह करवा लेते हैं। तो अभी हमारा प्लान बन रहा है बस सिटी चलने का, चलते हेयर कट करवाते हैं और भी काम है एक दो निपटा के आते हैं। तो भाई साहब ये देखो इरफान भी आ गया, इरफान भी चल रहा है साथ में। भाई देखो गाइस आज सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ठंड है बाहर ना, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक वाला, मैं कुछ पहना भी नहीं हूँ, गाड़ी में जाना है गाड़ी में आना, चलो। तुमने चाबी गिर रहे थे, तुमने क्यों जा रहे थे यहाँ? चलो खोलो, चलो भाई साहब अब हम लोग निकल रहे हैं फटाक से, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा कम है हमारे पास ना, अभी रात भी होने वाली है, तो जल्दी से करके जल्दी से आना भी रहेगा। और ये देखो भाई साहब हमारी जीटी भी जा रही है कहीं पे, चलो भाई निकलते हैं अब। हाँ तो फिलहाल गाइस अभी देखो हम लोग बस्ती सिटी के लिए निकल तो चुके थे, और अभी देखो हाईवे पे भी पहुंच गए थे भाई, अच्छा खासा हमने कवर भी कर लिया है रोड। बट जानते हो अभी सीन क्या हुआ, अचानक से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन ही नहीं कर रहा है जाने का। नहीं मन कर रहा तो घुमा लो गाड़ी में। हाँ निशान ना जाए घर पे चले, भाई साहब मेरा मन ही नहीं कर रहा पता नहीं क्यों, नहीं कर रहा तो मत जाओ। अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मन बोल रहा है कि मत जाओ, कभी कभी मन की भी मान लेनी चाहिए, मत जाओ, मन बोल रहा है क्या करे, क्योंकि अभी जानते हो अभी जाएंगे फिर रात हो जाएगी आते आते, बहुत ज्यादा रात हो जाएगी, क्योंकि कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे बाल कटवाने में, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे पिएंगे बहुत ज्यादा रात, 8-8 बज जाएगा। छोड़ो मत, चलो गाइस प्लान कैंसिल, कल जाना है गोरखपुर, वही का प्लान है भाई, चलो अब छोड़ो अब घुमा लेते हैं गाड़ी। पहली बार ऐसा हुआ है कि रास्ते में से मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ। कुछ खाएंगा क्या खाएंगा, अभी पटकूंगा उठा के तुझे, मन बोल रहा था मेरा, मैंने घुमा लिया गाड़ी, मन की माननी चाहिए भाई, चलो।
तो फिलहाल गाइस अभी देखो हम लोग रिटर्न अपने चौराहे पे आ गए हैं और अभी देखो हम लोग आ गए कड़क सी चाय पीने के लिए जिससे माइंड फ्रेश हो जाए भाई एकदम। ये देखो ये लोग को तो समोसा मोसा खा रहे भाई, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। ये लो भाई साहब हमारी कुल्लड़ वाली चाय फाइनली आ गई। चलो कुल्लड़ में छेद है भैया आपके। फिलहाल गाइस एक मस्त सी चाय हम लोगों ने पी ली है और अब चलते हैं अब घर पे, अब सीधे घर पे चलते हैं भाई, अब मजा आ गया लिटरली। अब ये देखो हम लोग के कार के आगे अभी अभी एक पपी आ गया था छोटा सा, देखो देखो घूम रहा है देखो। इससे मिला जाए क्या? मिला जाए, चलो देखो कैसे भाग रहा है भाई आगे आगे गाड़ी के। ओए चलो फाइनली गाइस हम लोग घर पे रिटर्न आ चुके हैं और अभी देखो बज चुके हैं शाम के, मतलब रात के, सॉरी रात के बज चुके हैं 8 और अभी देखो सभी लोगों ने खाना ना खा लिया बट मेरा कुछ, हाँ मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, भूख ही नहीं है क्योंकि मैं स्कूल से जब रिटर्न आ रहा था ना तो बस कहीं पे रुकी हुई थी, मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था बाहर का फास्ट फूड वगैरह तो इसलिए कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है फिलहाल। देखो जीशान खाना खा रहा था और इसने छोड़ भी दिया खाना पूरा पूरा, सही से खाया कि नहीं रे? भूख नहीं है, मैं तो समझा भूत है। ये देखो देखो मैच निकलने की कोशिश कर रहा है, अंदर कर लिया। चल चल उसके पास, चल 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 समीर। मैक्सू पूरा दिन पता नहीं कहाँ रहता है पूरा दिन भाई, ये इसको खाली घूमने को बोल दो पूरा दिन पता नहीं कहाँ रहता है। ये क्या बना दिया रे? रुक 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 रुक, खराब हो जाएगा पागल, वो छोड़ दे, नहीं होगा तुझसे तो नहीं होगा। गया। ओ भाई साहब ये देखो हो गया, जब किसी को नहीं दिखाना होता ऐसे हो जाता है। अबे ला मैं एक बार में कर दूंगा, देख देख। ओ मल्ला अभी समीर तुम पबजी खेलती तुमको डिस्टर्ब होती? हाँ नहीं। ओ भाई क्या होगा झूठे हो, ये क्या गाइज एक चीज हम लोगों ने तो बताया ही नहीं, हम एक चीज प्लान कर रहे हैं भाई साहब, मतलब कुछ दिनों से एक हफ्ते से क्योंकि जानते हो अब ठंड का मौसम आ ही गया है तो फिलहाल हम प्लानिंग कर रहे हैं मनाली जाने का भाई साहब। तो यस हमारी प्लानिंग है भाई साहब मनाली जाने के लिए क्योंकि जानते हो जनवरी और दिसंबर के लास्ट तक और जनवरी के लास्ट तक आई थिंक वहां पे स्नोफॉल होता है तो भाई साहब हम लोग फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखेंगे। लेट्स सी अभी हम प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या होगा कैसे होगा क्या क्या नहीं अभी पता नहीं है कुछ ज्यादा बट वी आर प्लानिंग। हाँ तो बहुत ज्यादा मजा आएगा भाई साहब मनाली फर्स्ट टाइम भाई साहब स्नोफॉल, ठंडा है तो भाई साहब स्नोफॉल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिंदगी में मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है भाई स्नोफॉल। हाँ भाई साहब बर्फ देखेंगे फिर मजा आएगा। तो फिलहाल गाइस यही प्लान हमारा हो रहा था और फिलहाल हम तो प्लानिंग कर लेंगे उसके बाद फिर पैकिंग शैकिंग होगी और फिर हम निकल जाएंगे अपनी गाड़ी लेके मनाली के लिए। तो सारा कुछ जो भी प्लान होगा वो आपको आने वाले व्लॉग्स में अपडेट मिलेगा तो व्लॉग्स में जुड़े रहिए भैया। बाकी यही एक छोटा सा अपडेट था कि हम आप लोग को बता दे रहे हैं, मतलब हम प्लान कर रहे हैं मनाली के लिए। दुबई? दुबई अभी नहीं, अभी उतना बजट दुबई भाई अपने बजट से बाहर है। एक ही महीने का तो इनकम है, लौट के फिर चले। इनकम ये रिवील कर रहा है भाई।